नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में बहुत बड़ा धमाका होते हुए आपको दिखाई दे रहा है और इसके पीछे एक बड़ा रीज़न जहां से वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ही बड़ी राहत देखने को मिली है और ये कहें तो इनके लिए एक लाइफ सेविंग बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिला है गवर्नमेंट का सपोर्ट और गवर्नमेंट से कुछ ऐसे अनाउंसमेंट जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया में लग चुकी है आग और स्टॉक में अब आपके लिए है बेहतर चांसेस। तो जिन्होंने भी इस स्टॉक को होल्ड कर रखा है, इसीलिए बोला था दोस्तों रिस्क लेना है तो इस हिसाब से लेकर के चल सकते हैं और वही चीज़ अब आपके सामने नज़र भी आ रही है। स्टॉक आज 10 रुपये के लेवल को काफ़ी दिनों के बाद क्रॉस कर चुका है, तो इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। छोटी सी वीडियो आपके काफी काम की होने वाली है और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। दोस्तों, देखिए वोडाफोन आइडिया के लिए गवर्नमेंट के द्वारा AGR पे रिलीफ मिला है और AGR पे रिलीफ क्या है, AGR का ड्यू जो है 4 साल का वक्त भी दिया गया है और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज दोस्तों, यहां पर जो 5G स्पेक्ट्रम है उसका पेमेंट करने के लिए भी इन्हें 4 सालों का वक्त मिल गया है। इसका मतलब क्या है कि 5G स्पेक्ट्रम तो इन्हें मिल जाएगा और इसको जो पैसा है इसका देने के लिए, स्पेक्ट्रम का पे करने के लिए, उसके लिए इन्हें काफ़ी वक्त मिलेगा। तो लगभग 65,000 करोड़ रुपए का रिलीफ इन्हें कह सकते हैं, मतलब 65,000 करोड़ रुपए की एक तरह से इनडायरेक्ट तौर पे इन्हें सहायता मिल गई है कि इस बकाए को ये आराम से चुका सकते हैं, वक्त मिल गया है और इस वजह से आप देखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ एक और है जो कि हम आपको अपनी कई वीडियो में बता चुके हैं, इक्विटी के द्वारा। देखिए, इक्विटी से कन्वर्ट करने के लिए बताया था कि इस बकाया को इक्विटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उस पर भी सरकार की सहमति देखने को मिल रही है और ऐसा होता है तो फिर स्टॉक होल्डर्स के बारे न्यारे हो जाएंगे और बिल्कुल स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, तो उस पर भी सहमति देखने को मिल रही है। अब आप अगर नहीं जानते हैं इक्विटी से किस तरह से कर्ज चुकाया जा सकता है तो इसके लिए आपको हमारे पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें आपके लिए एक और प्लान बताया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के पास काफ़ी अच्छा मौका होगा। अब इससे इनके लिए दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब यहाँ पर इन्वेस्टर भी आ सकते हैं अपना पैसा लगाने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद से भी अब काफ़ी अच्छी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी भी आपको थोड़ा सा केयरफुल जरूर रहना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हवाई फायर नहीं चलने चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने इस स्टॉक को होल्ड कर रखा है 5-6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये के लेवल से, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन ये बन चुकी है और आने वाले दिनों में और भी बेहतर पोजीशन बन सकती है, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हो, वोडाफोन आइडिया का मार्केट में बने रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जैसे लोगों के लिए, इस इंडिया में रहने वाले हर एक मोबाइल उपयोगकर्ता के लिए, क्योंकि वरना फिर यहाँ पर एक ऐसी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। शायद आज जो रुपए हम पे कर रहे हैं रिचार्ज में बतौर इंटरनेट के लिए या फिर कॉलिंग के लिए, उसका दाम काफ़ी ऊपर पहुंच जाएगा जो एक ज़माने पहले था, क्योंकि अन्य देशों में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे डाटा बेचा जाता है महंगे दामों पर, लेकिन इंडिया में ही सबसे सस्ता डाटा देखने को मिलता है। तो बाकी दोस्तों, आप बताइएगा आपको क्या लगता है, तो वोडाफोन आइडिया को कब तक होल्ड कर सकते हैं और कब तक होल्ड करना चाहिए। वैसे अभी अगर स्टॉक की बात करें तो 12 रुपए के टारगेट निकल के आ सकते हैं हमारे सामने। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।